हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट का। दोस्तों, ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट के बारे में आज हम A to Z सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये वीडियो डिमांडिंग है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कोई भी आपका सवाल नहीं छोड़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं और ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ICICI डायरेक्ट में डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपको इसके प्लान के बारे में जानना चाहिए। अगर आप ICICI डायरेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ICICI डायरेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे माइंड में एक निगेटिव असर डालती है कि नहीं, मुझे इस कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम किस फीचर्स का यूज करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर कितनी मतलब कि छूट मिल रही है ब्रोकरेज प्लान और वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ICICI डायरेक्ट में अकाउंट ओपनिंग का क्या चार्ज है। तो अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल निल है। AMC चार्ज की बात करें तो AMC चार्ज पर ईयर 700 रुपये लगता है, लेकिन फर्स्ट ईयर AMC चार्ज फ्री है, सेकेंड ईयर से लगना स्टार्ट होता है। AMC चार्ज की ही बात करें तो इसमें एक प्लान और है, ICICI न्यू प्लान। तो इस प्लान को अगर आप सिलेक्ट करते हैं 300 रुपये पर ईयर देने पड़ते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि आप ICICI डायरेक्ट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका बैंक अकाउंट है वो ICICI बैंक में है, तो ICICI डायरेक्ट में आपका बैंक अकाउंट सीधा ऐड हो जाएगा। आप जो भी पेमेंट करेंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट होगा, या फिर आप कोई भी शेयर बेचेंगे तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जो भी ब्रोकरेज चार्ज होंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, मतलब कि आपका सीधा बैंक अकाउंट ऐड हो गया आपके डीमैट अकाउंट से, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से होंगे। वहीं पर अगर आप ICICI डायरेक्ट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जा रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट किसी अदर बैंक में है, SBI में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, सेंट्रल बैंक में है, फेडरल बैंक में है, XYZ किसी भी बैंक में है, तो आप पहले बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करेंगे, तब आप उस पैसे को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने बैंक अकाउंट को अलग रखते हैं और वो पैसा ऐड करते हैं, फिर वो उसी को ये सोचते हैं कि चाहे इसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, या फिर जब हमें प्रॉफिट होगा तब हम विदड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप याद रखना। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ICICI डायरेक्ट में ब्रोकरेज चार्ज क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर 5 ब्रोकरेज चार्ज हैं। तो दोस्तों, पहला है इसमें ICICI प्राइम, दूसरा है ICICI न्यू प्लान, और तीसरा है प्रीपेड प्लान, चौथा है ICICI प्लान, और पांचवा है NRI ब्रोकरेज प्लान। तो जो NRI है, तो दोस्तों वो NRI लोगों के लिए है, तो इसको हम हटाएंगे, मतलब कि इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, बाकी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ICICI डायरेक्ट प्राइम प्लान के बारे में। तो दोस्तों, प्राइम प्लान के अंदर आपको जो ब्रोकरेज चार्ज है तो वो काफ़ी हद तक कम लगती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% तक ब्रोकरेज आपको ऑल प्रोडक्ट में कम देने पड़ते हैं। ऑल प्रोडक्ट का मतलब ये कि आप किसी भी सेगमेंट के अंडर ट्रेड करो, चाहे आप इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, या फिर किसी भी सेगमेंट में करती हैं, तो 50% तक ब्रोकरेज कम लगेंगे। 50% तक ब्रोकरेज कम लगेंगे, कितनी लगेंगे? अभी इन्होंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि 50% तक कम लगेंगे, तो हमारे माइंड में एक ऐसा आता है कि हाँ, बहुत ही कम होंगे। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं इसके बाद दोस्तों इसमें एक फीचर आपको और मिलता है, या फिर यूँ बोलेगी एक सर्विस आपको और मिलती है, उसका नाम है EATM। दोस्तों, EATM का मतलब ये है, इक्विटी ATM, मतलब कि देखो, बाकी के डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आपने कोई भी शेयर आज बेचे डिलीवरी के अंदर तो उनका 80% आपको पैसा आज मिलता है, 20% पैसा होल्ड रहता है, वो आपको नेक्स्ट डे मिलता है। तो EATM का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको 5 मिनट के अंदर ही पैसा मिल जाता है, मतलब कि इक्विटी के बदले पैसा, इक्विटी आपने सेल करी, पैसा आपको 100% आज ही मिल गया। इसके बाद बाय नाउ पे लेटर, मतलब कि अगर आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग का यूज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होता है 9.49% पर एनुअल। अब दोस्तों, ये चार्जेस कुछ ज्यादा भी हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने सबसे कम लिखा है। और अगर हम MTF का यूज डेली बेसिस पे करते हैं तो हमसे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा? तो दोस्तों, हमसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 0.025% पर डे, ठीक है, ये लगेगा। इसमें GST भी दोस्तों इंक्लूड रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर आप प्राइम प्लान को लेते हैं तो इसके अंदर भी आपको टोटल 6 प्लान मिलते हैं। अब 6 में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, मतलब कि पहले 5 प्लान है, 5 में से आप एक सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको 6 प्लान
मिलेंगे। अब दोस्तों 6 प्लान के लिए आपको इधर अलग अलग चार्जेस देने होंगे, उस हिसाब से आपको अलग अलग इधर ब्रोकरेज चार्ज में छूट मिलेगी। तो दोस्तों पहला जो प्लान है उसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा 299 प्लस GST, GST कितना 18%, तो इसमें लगभग 353 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आप पे कर देंगे तो ये एनुअल रहेगा, मतलब कि एक साल के लिए वैलिड है। अब एक साल तक आपसे ब्रोकरेज चार्ज कितने लगेंगे, कैश का मतलब है दोस्तों डिलीवरी, तो डिलीवरी में आपसे लगेंगे 0.25%। मार्जिन का मतलब है इंट्राडे और फ्यूचर का मतलब फ्यूचर ही है। तो दोस्तों अगर आप मार्जिन इंट्राडे में करते हैं या फिर फ्यूचर में करते हैं तो 0.025%। दोस्तों आप कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाओगे ना, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन पर बात आती है, तो हम कोई भी लॉट खरीदें तो एक लॉट का 40 रुपये है, ठीक है, बाकी के ब्रोकर की तुलना में दोस्तों यह बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ, आप इसको बाकी के ब्रोकर से कंपेयर कर सकते हैं, मैंने कुछ पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद करेंसी और कमोडिटी की बात करें तो 20 रुपये पर ऑर्डर है और ATM की फैसिलिटी मिलती है 2.5 लाख तक, मतलब कि अगर आप 2.5 लाख तक की इक्विटी सेल कर दें तो उनका पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों MTF की बात करें तो 17.99% आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब दोस्तों इसमें दूसरा प्लान है कि अगर आप 999 रुपये पे करते हैं तो ये प्लान आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। अभी आप 299 में कितना मिल रहा था, एक साल के लिए एनुअल, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए है। तो इसमें ब्रोकरेज चार्ज आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि कितने लग रहे हैं। इसके बाद 1999 का है, 2999 का है, 3999 का प्लान है और 4999 का है। अब दोस्तों 4999 वाले प्लान को आप देख सकते हैं, तो इधर आप देखेंगे कि कैश में 0.1% लगेगा, मार्जिन में या फिर इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.01%, और ऑप्शन में पर लॉट 10 रुपये, करेंसी और कमोडिटी में 20 रुपये पर ऑर्डर, और ATM 1 करोड़ तक की मिल रही है, और यहाँ पर जो आपसे इंटरेस्ट है वो लिया जा रहा है 9.49%। तो दोस्तों इसके लिए आपको 4999 प्लस GST, तो 5000 का GST हो जाता है 900 रुपये, तो मतलब कि लगभग आपको 5900 रुपये पे करना है, तब आपको ये वाला प्लान नीचे वाला मिलेगा, और ये लाइफ टाइम के लिए प्लान है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद इसमें करेंसी या फिर कमोडिटी में कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी का यूज करते हैं, मतलब कि ब्रोकर आपको बताता है कि आप ये खरीदिए, ठीक है, तो आप उसको खरीदते हैं या फिर उस फैसिलिटी का यूज करते हैं, तो आपको 50 रुपये पर ऑर्डर देना होगा। साथ ही 3 बज जाते हैं और आप कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है उसको सेल नहीं कर पाते हैं, खरीदा है उसको सेल नहीं कर पाते हैं इंट्राडे के अंदर, तो ब्रोकर आपका ऑटोमेटिक बेच देता है, तो उसके लिए आपसे पर ऑर्डर 50 रुपये ले रहा है। और दोस्तों इसी प्लान के अंदर आपको बुलेट प्लान भी मिल जाता है, तो बुलेट प्लान आपको 2 जगह मिलता है, एक तो आपको प्राइम प्लान में मिल जाता है, दूसरा आपका प्रीपेड प्लान में, इसके अंदर आपको बुलेट प्लान फ्री में मिल जाता है। दोस्तों बुलेट प्लान का मतलब ये है कि आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं अभी, अगर आप उसको दोबारा से एग्जीक्यूट, मतलब कि अभी आपने ख़रीदा, 5 मिनट के अंदर आप उसको बेच भी देते हैं, तो आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ऐसा आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं ICICI डायरेक्ट न्यू प्लान के बारे में। दोस्तों न्यू प्लान के अंदर अभी देखो क्या है ना कि सारे ब्रोकर हैं तो वो कुछ ना कुछ फ्री में दे ही रहे हैं, तो ICICI पीछे रह जाता, तो इन्होंने भी यहाँ पर सोचा कि हम भी कुछ फ्री में दें, तो इन्होंने फ्री में देने की कोशिश तो की, लेकिन वो ज़्यादा यूज का नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिया है फ्यूचर में अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो दोस्तों 0 चार्जेस लगेंगे, तो फ्यूचर में बहुत ही कम लोग करते हैं और इसका बेनिफिट बहुत ही कम ट्रेडर को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर देना होगा, मार्जिन में करना है तो आपको 20 रुपये देना है, करेंसी में करना है तो आपको 20 रुपये देना है, कम्युनिटी में करना है तो आपको 20 रुपये देना है, और डिलीवरी को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर इसके ब्रोकरेज प्लान है। ये प्लान लेने के लिए, मतलब कि ICICI डायरेक्ट का न्यू प्लान लेने के लिए आपको 299 प्लस GST लगभग 353 रुपये पे करने होंगे, तो इसकी फैसिलिटी का आप यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ICICI डायरेक्ट प्रीपेड प्लान के बारे में। दोस्तों प्रीपेड प्लान यहाँ पर इस तरीके से है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई सिम है, आपने उसमें रिचार्ज करवाया, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आपका ATM कार्ड है और आपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है, अब ATM कार्ड आपको पैसे कितने निकाल के देगा, जितने आपके बैंक अकाउंट में होगा, उसी तरीके से ये एक बैलेंस की तरह दोस्तों यूज होगा। तो प्रीपेड प्लान के अंदर आप पहले से ही पेमेंट कर देंगे, मतलब कि आप वन टाइम पेमेंट कर देंगे और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। तो वन टाइम आप कितना पेमेंट कर देंगे, तो आप 2500 रुपये वाला प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, 5000 वाला कर सकते हैं,
12,500 वाला कर सकते हैं, 25,000 रुपये आप वन टाइम पे कर सकते हैं, और 50,000 कर सकते हैं, और 1,00,000 कर सकते हैं। साथ ही 18% GST। तो अगर आप इसमें 1,00,000 रुपये वाला प्लान लेते हैं तो 18% GST मतलब कि 18,000, तो 1,18,000 रुपये आपको पे करना होगा। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ब्रोकरेज चार्ज में छूट मिल रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप 2,500 रुपये वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं तो डिलीवरी के अंदर आपको 0.25% के हिसाब से लगेगा मार्जिन, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको लगेगा 0.025, और ऑप्शन में पर लॉट 35 रुपये लगेगा, करेंसी के अंदर 20 रुपये लगेगा, और डेली MTF की फैसिलिटी आपको 1,00,000 तक की मिल जाती है, और MTF की फैसिलिटी 17.99% में है। अब इसके बाद दोस्तों आप बाकी को भी देख सकते हैं कि कितने कितने आपसे यहाँ पर चार्ज लिए जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि प्रीपेड प्लान के अंदर हम कोई भी प्लान सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ रहा है पहले ही। तो मान लीजिए कि हम ट्रेडिंग करते हैं अभी, इसमें से हम 1,00,000 रुपये वाला प्लान सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें GST भी देना पड़ेगा 18%, तो 1,18,000 रुपये हम पे करते हैं। और मान लीजिए कि हमको लॉस हो जाता है, हम ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं, तो क्या यह पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा? तो दोस्तों यह पैसा रिफंडेबल है, 1 साल बाद आप इस पैसे को रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी के लिए कॉल करना पड़ेगा, या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट में जाके भी इसको रिफ़ंड करवा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है रिफ़ंड करवाने का। तो दोस्तों इसमें से जो आपका टैक्स है वो कटेगा, और जितना आपने ब्रोकरेज यूज किया है वो कटेगा, कुछ पेनल्टी भी कटेगी, और बाकी का पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं iSecure प्लान। तो दोस्तों iSecure के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज लग रहे हैं, ये जो अच्छे अच्छे प्लान थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। iSecure के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने कि डिलीवरी में कितना चार्ज लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 0.55% लग रहा है, और साथ ही इंट्राडे की दोस्तों बात करें तो वो निल है, लेकिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ का 0.075%। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ रहा है, और इसके बाद करेंसी का भी आप देख सकते हैं, और दोस्तों कमोडिटी का भी आप देख सकते हैं तो इतना आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना है। अब इसके बाद हम जानते हैं NRI ब्रोकरेज प्लान के बारे में। तो NRI के अंदर भी आपको 3 प्लान मिलते हैं, एक NRI ब्रोकरेज प्लान, एक NRI प्राइम, और NRI प्रीपेड ब्रोकरेज प्लान। तो दोस्तों इसकी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है कम्प्लीट ICICI डायरेक्ट का रिव्यू। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।